रोहतास के नोखा नगर परिषद नोखा के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद राधेश्याम सिंह, उप मुख्य पार्षद धनजी सिंह सहित सभी वार्ड पार्षदों ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर नगर परिषद कार्यालय में पहली बार पहुंचने पर कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, सत्यनारायण प्रसाद, संजय कुमार, सचिदानंद मनोज कुमार ने स्वागत किया। कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार की उपस्थिति में सभी वार्ड पार्षदों को सम्मानित किया गया। पार्षदों का स्वागत कार्यालय के कर्मियों ने किया, जिनमें वार्ड नंबर 1 से शिव कुमार प्रसाद, वार्ड 2 से राम इकबाल राम, वार्ड 3 से मनोज कुमार, वार्ड 4 से कंचन कुमारी, वार्ड 5 से पुष्पा कुमारी, वार्ड 6 से तेज नारायण सिंह, वार्ड 7 से मंजुषा कुमारी, वार्ड 8 से भीम सिंह, वार्ड 9 से सुदामा कुमार, वार्ड 10 से प्रमोद कुमार पासवान, वार्ड 11 से श्रीमती कंचन देवी, वार्ड 12 से शदरुन निशा, वार्ड 13 से आरती देवी, वार्ड 14 से नयमा खातून, वार्ड 15 से मंजू देवी, वार्ड 16 से निर्मला देवी, वार्ड 17 से बिने कुमार, वार्ड 18 से अलीशे अंसारी, वार्ड 19 से सुनीता कुमारी, वार्ड 20 से रेणु देवी, वार्ड 21 से ललिता देवी, वार्ड 22 से प्रमोद कुमार, वार्ड 23 से अयोध्या राम, वार्ड 24 से कृष्णावती देवी, वार्ड 25 से श्रीराम प्रसाद को का स्वागत किया गया। मौके पर सुरेंद्र शर्मा, पिंटू कुमार, अशोक चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। थोड़ी सी समय हमको दीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा, बिगड़े हुए कामों को सुधारने में थोड़ा समय लगेगा, इसके लिए आप लोगों को भी धैर्य रखना पड़ेगा, हमें भी आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, उसके लिए मुझे एतराज नहीं है कि मैं नोखा नगर का सभापति हूं तो हमसे मीडिया लोग हमको सलाह देता है, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं, आप मुझे सलाह दीजिए और काम लीजिए, मैं करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जिला परिषद का जमीन जो बस स्टैंड के लिए जो अनुमोदन हुआ था बनने के लिए, बीच में कुछ कारणवश उस पर स्टे लग गया, हाई कोर्ट का स्टे लग गया और आज तक वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि कहां तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि राशि आई हुई लौट के, देखिए आपको भी पता, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, जो कार्य अगर न्यायालय में होगा उसको तो मैं नहीं छू सकता हूं, लेकिन उसको अपने पक्ष में लाने के लिए, वहां नगर परिषद का कार्य कराने के लिए मैं तैयार रहूंगा कि कहां तक अवरुद्ध है, कौन सी समस्या है, उसका हम निराकरण कैसे करेंगे, ये सब करने के लिए हम तैयार हैं। आपकी एक छोटा सा मुद्दा है, यहाँ पर नगर परिषद में अतिथियों के लिए आए भी नहीं, क्या बोले, अतिथियों के लिए जो बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो विधायक हो या मंत्री या कोई, अतिथि गृह नहीं है, अतिथि गृह नहीं है हमारे यहाँ, उस तरह का आईवी रूम नहीं है, क्या कोई प्रावधान है बनाने के लिए, पहले तो इसके लिए हम जमीन का मांग कर रहे हैं, अगर मुझे जमीन मिल जाता है तो नगर पंचायत का फंड लगे या दूसरे मद से भी हम पैसा लाकर इसको बनवाने का काम करेंगे। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है कि यहाँ अतिथिशाला होनी चाहिए, इतने उम्मीद से जनता ने हम लोगों को वोट देकर यहाँ नगर परिषद में पहुँचाई है, और खास करके युवाओं भाइयों को न कहेंगे कि उन लोगों ने खास करके हमको ने वोट देकर जिताया है, उन लोगों का भरोसा को हमने कभी नहीं तोड़ा है, अब पूर्ण बहुमत के तरह सरकार बनी है,
उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग विकास करेंगे आज से, हम लोग नोखा को सुंदर बनाने के लिए, और स्वच्छ नोखा बनेगा, सुंदर नोखा बनेगा। नोखा के हमने बेटा है, नोखा का नेता नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।